तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने Realme Narzo 35G Pro मोबाइल में साउंड एम्पलीफायर इनेबल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप ईयरफोन में गाने प्ले करते हैं तो दोस्तों आप किस तरह से उसका साउंड जो है और भी बेहतर इंक्रीज किस तरह से कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है मैं निकुल ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आपको अपने Realme Narzo 35G Pro मोबाइल में साउंड एम्पलीफायर ऑन करने के लिए आपको सिंपल यहां पर साइड में क्लिक करना है। साइड में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो है यहां पर साउंड एम्पलीफायर का ऑप्शन जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आता है। अब दोस्तों आपको सिंपली इसको जो है ऑन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना, आपको जो है ऊपर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर जो है इसे कट कर दूंगा। कट करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर जो है यहां पर आपको एक ऑप्शन सर्च करना है एसेबिलिटी का। दोस्तों यहां पर आपको सिंपली सर्च कर लेना एसेबिलिटी। अब दोस्तों आपको सिंपली एसेबिलिटी का जो ऑप्शन है आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर जो थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन दिखाएगा हियरिंग का, दोस्तों आपको सिंपली वहां पर क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन यहां पर शो होने लगेगा साउंड एम्पलीफायर का। तो आपको सिंपली दोस्तों यहां पर जो साउंड एम्पलीफायर पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो ऑप्शन है आपको यहां पर जो ऑन कर देना। आप जैसे इसे ऑन करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो माइक्रोफोन ईयरफोन है यहां पर आपका जो ऑन होना चाहिए, तब आपका जो ऑप्शन है यहां पर जो है ऑन होगा चालू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि साउंड बटन जो है आपकी वॉल्यूम बटन है आपको दोनों एक साथ प्रेस करना पड़ेगा तब आपका जो साउंड एम्पलीफायर है इनेबल होगा। तो आपको सिंपली कुछ इस टाइप से जो है इसे कर देना है ऑन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, ऑप्शन शो हो जाएगा। अब दोस्तों आप जैसे वॉल्यूम बटन और दोस्तों वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप बटन साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है शो होने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों एक साथ प्रेस करूंगा, प्रेस करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ मेरे सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर मेरा जो फीचर्स है साउंड एम्पलीफायर का है और सेकंड नंबर पर टॉकबैक का ऑप्शन है। तो कुछ इस तरीके जो आप इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।